हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अपना प्यार सहयोग हमें ज़रूर दे दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और आप अपना प्यार सहयोग हमें ज़रूर दीजिए। इसके लिए हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लेकर के हैं नए रेसिपी, चलिए बनाते हैं घर पर पिज्जा। तो ये हमने पिज्जा ब्रेड लिया हुआ है, साथ में है मक्का, शिमला मिर्च, प्याज। तो सबसे पहले प्याज को बड़ा बड़ा टुकड़ा में काट करके और परत भाई परत अलग कर लेंगे। और ये है ब्रेड, पिज्जा ब्रेड। तो अब हम प्याज को बारी बारी से अलग कर लेंगे। इसके बाद शिमला मिर्च को कट करेंगे। शिमला मिर्च का जो भी अंदर का बीज है उसको हटा देंगे। और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और अब हमने प्याज, शिमला मिर्च और मक्का, इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिए मक्का में। और ये है ब्रेड, इसको थोड़ा इस तरह से कर देते हैं ताकि जो हम इस पर चीज़ या सॉस डालेंगे वह अच्छा से अंदर तक अब्जर्व हो। तो ये है पिज्जा सॉस, इसको पूरे ब्रेड में, पिज्जा ब्रेड पर लगा देंगे। अच्छा से इसी तरह दोनों में लगा देंगे सॉस को। इसके बाद अब ऊपर से हम ये है चीज, इस तरह से करके हम चीज को इस पर डालेंगे। जितना पिज्जा पर शीश चीज डाला जाएगा उतना अच्छा बनता है। इसको बोलते हैं पिज्जा चीज। तरह सबको घिस करके इस पर बराबर से पूरे में बैठा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर से अब हाथ से फैला देंगे, बराबर कर देंगे। इसी
मेथी से तो बेहद स्वादिष्ट बनता है पिज्जा। और ये है टमाटो सॉस, अब हम इस पर बारी बारी से पहले प्याज को डाल देते हैं पूरे में, दो भाग में हमको बैठा देना है, आधा इधर आधा उधर। उसके बाद शिमला मिर्च को भी उसी तरह डाल देंगे और साथ में मक्का को भी उसी तरह हम दोनों पर हफ हफ करके लगा देंगे, क्योंकि हमने दो पिज्जा ब्रेड लिया है तो दोनों पर समान बराबर बराबर देना है। आपको मार्केट से कम खर्चा में घर पर बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो। आपको उतना ही पैसा में एक की जगह दो तीन पिज्जा तैयार हो जाएगा और आप पूरे परिवार जी भर के पिज्जा का आनंद ले सकते हैं। तो सारे शिमला मिर्च को डाल दिया गया, इसके बाद इसी तरह मक्का यानी भुट्टा जो कहिए उसको डाल दिया जाएगा। ये कच्चा है भुट्टा, ये पिज्जा पर डालने के लिए ही मिलता है, पिज्जा में यूज करने के लिए। तो डाला गया मक्का यानी भुट्टा, अब इसको माइक्रोवेव में डाल करके सेका जाएगा। तो सबसे पहले 10 मिनट माइक्रोवेव को चला करके गर्म कर लिया गया है। आराम से इस स्टैंड पर डाल करके और माइक्रोवेव में पकाया जाएगा इसको। तो 20 से 25 मिनट के लिए लगा दिया गया। बीच बीच में बंद करके देख लेंगे जो ये अच्छा से पक गया कि नहीं, फिर डाल दिया जाएगा और बंद करके फिर बटन दबाया गया। तो इस तरह से देखिए सॉस और चीज दोनों पिघल गए हैं, देखा जा रहा है जो ये अच्छा से तैयार हुआ कि नहीं। तो अब हमारा ये पिज्जा बन करके तैयार हो गया है,
देखने से बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहा है। इसको स्टैंड से अब हम नीचे उतार लें। तो दोस्तों देखिए हमारा पिज्जा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से फिर दूसरा जो है उसको सेका जाएगा स्टैंड पर डाल करके। और तब तक ये जो तैयार हुआ है इसको इस तरह से काट लिया गया। पहले 4 टुकड़ा, फिर इसको 8 टुकड़ा कर दिया गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। बहुत ही कम समय में सरल विधि से घर पर पिज्जा बन करके तैयार हो गया है और ये साथ में सॉस रखा गया। अब दूसरा पिज्जा भी बन गया। इसको भी उसी तरह स्टैंड से नीचे उतार कर प्लेट में रख दिया गया और उसी तरह इसको 8 टुकड़ों में कर दिया जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।